नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। आज है 21 जुलाई का दिन और ये दिन कोई आम दिन नहीं है। आज ही के दिन मिली थी दुनिया को पहली महिला पीएम और भारत को पहली महिला प्रेसिडेंट। आज का दिन यानी 21 जुलाई सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए याद किया जाएगा। आज के ही दिन 60 साल पहले श्रीलंका को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली थी। वहीं भारत में 2007 में आज ही के दिन एक पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, जिनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने देश के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम की जगह ली थी। दुनिया की राजनीति में आज का दिन 21 जुलाई महिलाओं के लिए मील के पत्थर के बराबर है। 60 साल पहले आज ही के दिन 21 जुलाई 1960 को श्रीलंका में सीरिया बंदरा नाइक दुनिया की पहली महिला लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला प्रमुख की सरकार बनी थी। वो सरकार की पहली महिला मुखिया बनी थी। इसी तरह देश की महिलाओं के लिए 21 जुलाई का दिन खुश होने की एक खास वजह लेकर आया था। 12 साल पहले साल 2007 में इसी दिन देश को प्रतिभा पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली। 19 दिसंबर 1934 को जन्मी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007-2012 तक देश की 12वीं राष्ट्रपति के तौर पर रही। वही देश का ये सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। वो 21 जुलाई को राष्ट्रपति निर्वाचित हुई और 25 जुलाई 2007 को उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नंदगांव में 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण राव पाटिल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जलगांव के ही आर विद्यालय में हुई थी। प्रतिभा देवी ने पुणे विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद मुंबई कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की। अगर हम बात करें उनके राजनीतिक सफर की, भले ही राष्ट्रपति बनने के बाद पाटिल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई हूँ, लेकिन उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। वो मात्र 27 साल की उम्र में कांग्रेस के टिकट पर 1962 में जलगांव विधानसभा में क्षेत्र से विधायक बनी और महाराष्ट्र विधानसभा में चुनकर आई। जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे थे आज के दिन यानी 21 जुलाई की, जब भारत को पहली महिला प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मिली थी। अभी के लिए हमें दे इजाजत। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।